गुड मॉर्निंग। हिंदी में आज हम चित्र के साथ स्वर की पहचान करेंगे, फिर स्वर को कैसे लिखते हैं वो सीखेंगे। ये है अ, अ से अनार, अजगर, अदरक। अ के बाद आ, आ से आम, आलू, आख, ई, ई से इमली, स्त्री, इमारत। बड़ी ई, बड़ी ई से ईख, ईट, ईद। ऊ, ऊ से उल्लू, उपहार, उंगली। बड़ा ऊ, बड़ा ऊ से ऊन, ऊंट, ऊपर। रू, रू से रूसी, ऋतु, ऋषभ। ए, ए से एडी, एकतारा, एक। ए के बाद है ऐ, ऐ से ऐनक, ऐरावत, एम्बुलेंस। ओ, उसे ओखली, ओस, ओढ़नी। ओ के बाद औ, औ से औरत, औषधि, औजार। अंग, अंग से अंगूर, अंडा, अंगूठी। अब हम स्वर को कैसे लिखते हैं वो सीखेंगे। पहले हम शेप्स की पहचान कर ले। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, राइट साइड कर्व, लेफ्ट साइड कर्व। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, राइट साइड कर्व, लेफ्ट साइड कर्व। अब हम स्वर को लिखना सीखेंगे। अभी आपको सिर्फ देखना है कि स्वर को कैसे लिखते हैं। तो पहले हम अ लिखना सीखेंगे। इस तरह से पहले तीन डॉट्स करने हैं, फिर डॉट्स को इससे कर्व से ज्वाइन करेंगे। एक कर्व, दूसरा कर्व, स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, ऊपर सिरो रेखा, ये बन गया अ। फिर से ये बन गया अ। अब हम आ लिखना सीखेंगे। आ में भी इस तरह से ही करना है। पहले तीन डॉट्स बनाइए, फिर इस तरह से कर्व बनाइए। दूसरा कर्व, स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। आ में दो स्टैंडिंग लाइन करेंगे हम। ये बन गया आ, ऊपर सिरो रेखा। इस तरह से आ लिखते हैं। ये है अ से अनार, आ से आम। अब हम स्वर का पठन करेंगे। अ से अनार, आ से आम, इसे इमली, बड़ी इसे ईक, उसे उल्लू, बड़ा उसे ऊन, ऋषि ऋषि, ऐसे एडी, ऐसे ऐनक, ओसे ओखली, औसे औरत, अंग से अंगूर, अह। अब फिर से एक बार पठन करेंगे। अ आ, इ ई,